माई सेल्फ दीति वर्मा, मैं क्लास 12 का चैप्टर 1 बिजनेस एनवायरनमेंट लेके आई हूँ आज, उसके बारे में बताऊँगी। सबसे पहले तो पता ना चाहिए एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। एनवायरनमेंट का मतलब होता है जब हम रहते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं, तो हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं वो मिलके एनवायरनमेंट बनाती हैं। उसी तरीके से बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है, तो मैं आज आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बताऊँगी। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस दैट लाई आउटसाइड ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस बट दैट मे इन्फ्लुएंस इट फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस। जो टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट है उसका मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं और जो अदर फोर्सेस हैं, वो सब जब मिलते हैं, भले वो फर्म के बाहर ही क्यों ना रहते हों, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के बाहर ही क्यों ना हो, ठीक है, वो सारे जितने भी मिलके एनवायरनमेंट बनते हैं, वो क्या करते हैं, फर्म की फंक्शनिंग को, जो उसका कार्य प्रणाली होती है, जो कार्य करने का तरीका होता है, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब प्रभावित करते हैं। तो ये सारे इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन जो और अदर फोर्सेस हैं, वो सब मिलके बिजनेस एनवायरनमेंट बनते हैं। रॉबिन्स की एक डेफिनेशन है बिजनेस एनवायरनमेंट की, बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ द कंपोजिशन ऑफ दोज फोर्सेस दैट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट ओवर दोज फोर्सेज द ऑर्गेनाइजेशन हैव लिटिल कंट्रोल। रॉबिन्स ने कहा है जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन मतलब मिक्सचर होता है वो उन फोर्सेस का जो अफेक्ट करते हैं फर्म ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को। लेकिन फर्म या जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है उन फोर्सेस के ऊपर। की डेविस ने कहा है बिजनेस एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशन। इन्होंने एग्रीगेट वर्ड यूज़ किया है, एग्रीगेट मतलब टोटल। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इन्होंने किसको कहा है, कंडीशंस को, इवेंट्स को। इन्होंने बताया कि जो कंडीशंस और इवेंट्स मिलके बनते हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट में होते हैं एंड इन्फ्लुएंस द सराउंड एंड अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस, और बिजनेस के सराउंडिंग्स को अफेक्ट करते हैं और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट डालते हैं, कि डेविस ने ऐसा कहा है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर्स है बिजनेस एनवायरनमेंट का वो है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब जितने भी बाहर के फोर्सेस होते हैं उनका एग्रीगेट करते हैं, टोटल करते हैं। जितने भी फैक्टर्स होंगे वो एक्सटर्नल होंगे, वो सब मिलके बिजनेस एनवायरनमेंट बनेंगे। ऐसा नहीं, एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस भी होते हैं, फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बात की गई है मेन, वो एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में बात की गई है। जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस, अब कुछ जनरल फोर्सेस भी होते हैं और कुछ स्पेसिफिक फोर्सेस भी होते हैं। अब मैं बताऊँगी जनरल फोर्सेस में क्या क्या आता है। जनरल फोर्सेस में आपके इकोनॉमिक आती है, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्निकल कंडीशंस होती हैं, जो कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं, इनडायरेक्टली। इसलिए जनरल फोर्सेस के लिए कहा जाता है इनडायरेक्ट फोर्सेस, हम लोग जनरल फोर्सेस के लिए वर्ड यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। स्पेसिफिक फोर्सेस, स्पेसिफिक फोर्सेस में आपके इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स, ये सारे फोर्सेस आते हैं जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट पे अपना डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं, बिजनेस कंडीशंस को, बिजनेस के जो फंक्शनिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। इसीलिए हम लोग स्पेसिफिक फोर्सेस को डायरेक्ट फोर्सेस भी कहते हैं। इसके बाद है थर्ड आपका इंटर रिलेटेडनेस, मतलब जितने भी फैक्टर्स होते हैं, जितने भी फोर्सेस होते हैं किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर एक में चेंज होगा तो उसका इफेक्ट दूसरे पे अपने आप ही आ जाएगा। इसका मैंने एक एग्जांपल लेके रखा हुआ है, अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर हैज़ लीड टू इंक्रीज द डिमांड फॉर हेल्थ फूड एंड हेल्थ रिसॉर्ट्स। अगर हमारी पब्लिक में हेल्थ को लेके अवेयरनेस बढ़ती है, हेल्थ केयर के लिए अवेयरनेस बढ़ती है, तो हम लोग हेल्दी फूड्स, जो पब्लिक होगी, जनरल पब्लिक होगी, वो हेल्दी फूड और हेल्थ रिसॉर्ट्स की डिमांड उसकी वजह से बढ़ जाएगी। इसको कहते हैं इंटररिलेटेडनेस। उसके बाद है जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो डायनेमिक नेचर का होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट स्टैटिक नहीं होता है, वो उसमें चेंजेस लगातार होते रहते हैं, वो कभी हमेशा एक जैसा नहीं होता है। जैसे कि एंट्री, मैंने एग्जांपल लेके रखा है, एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स, न्यू टेक्नोलॉजी, शिफ्ट
ऑफ प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स. ऐसा नहीं है कि एक कंपनी है तो उसके कंपटीशन में कोई दूसरी कंपनी है. कुछ कुछ समय बाद और भी कंपनियां उसी कंपटीशन में आ जाएंगी. हो सकता है जो उस टाइम टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है कुछ इनोवेशन हो, इन्वेंशन हो, तो उसकी जगह नई टेक्नोलॉजी आ जाए. हमारे कंज्यूमर को जो आज प्रोडक्ट पसंद हो सकता है फ्यूचर में वो पसंद ना हो, वो किसी और तरीके के प्रोडक्ट्स की डिमांड करे, गुड्स की डिमांड करे. तो ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, इसलिए हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो डायनेमिक नेचर का होता है. उसके बाद है अनसर्टेनिटी. जो फोर्थ फीचर है वो क्या है? अनसर्टेनिटी. हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, आपको पता है कि मैंने बताया है, वो डायनेमिक नेचर का होता है. इसीलिए फ्यूचर में क्या इवेंट्स होंगे, क्या चेंजेस होंगे, इनको प्रिडिक्ट करना हार्ड होता है. हार्ड टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स. उनको बहुत हम आसानी से पता नहीं लगा सकते कि फ्यूचर में क्या चेंजेस होंगे. हो सकता है नया फैशन आ जाए फैशन वर्ल्ड में, जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसके जहाँ न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए, तो इसके बारे में प्रिडिक्ट करना इजी नहीं होता है, अनसर्टेनिटी होती है. इसके बाद है रिलेटिविटी. रिलेटिव कॉन्सेप्ट एज इट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन फ्रॉम रीजन टू रीजन. ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है, ये संबंधित होता है. रिलेटिव मतलब होता है संबंधित नेचर का होता है. ये हर एक कंट्री रीजन, ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो अपनी कंट्री से अपनी रीजन से रिलेट करता है. जैसे कि अब सारीज की डिमांड है, इंडिया में सारी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जापान में सारी की डिमांड नहीं होती, क्योंकि इंडियन कल्चर में साड़ी वेयर की जाती है, जापानीज लोग साड़ी को वेयर नहीं करते हैं. उसके बाद है डाइवर्सिफाई. जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट होता है बहुत ही अलग अलग नेचर का होता है, बहुत ही मल्टी फेसेस होता है. किसी बिजनेस का इन्वायरमेंट अलग तरीके का हो सकता है, किसी बिजनेस का इन्वायरमेंट अलग तरीके से हो. ऐसा नहीं कि जो दो तरीके के बिजनेस इन्वायरमेंट हैं उनका नेचर एक जैसा ही हो, उसके इन्वायरमेंट में जो फैक्टर्स हैं वो एक जैसे हों. उसके बाद है नॉन कंट्रोलेबल. इसको कंट्रोल नहीं किया जाता है, पूरे तरीके से कंट्रोल में नहीं होते हैं. फैक्टर्स और फोर्सेस दैट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस एनवायरमेंट इज बियॉन्ड कंट्रोल. जो भी फैक्टर्स या फोर्सेस मिलके हमारा बिजनेस एनवायरमेंट बनता है वो कभी कभी कंट्रोल के बाहर होते हैं. बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रोल के बाहर होते हैं, उनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. जैसे कि हमारा अगर पॉलिटिकल कोई चेंज हो रहा है, कोई नई गवर्नमेंट आ रही है, तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है. कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत जटिल होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है हमारा बिजनेस एनवायरमेंट. इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेस ऑन चेंज इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट. इसका मैंने एक एग्जाम्पल लेके रखा है. अगर हमारा कोई इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल टेक्निकल या कोई अदर चेंज हो रहा है, तो उसका हमारे डिमांड जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है. ये तो था आपका फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. अब मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है उसका महत्व क्या होता है. तो पहला इम्पॉर्टेंस है फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस. जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उससे हमको ये पता चल जाता है कि हमको क्या स्टेप्स लेने हैं. पहले ही पता चल जाता है क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या चेंजेस करने हैं. ये टेक एडवांटेज ऑफ अर्ली अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम. अगर हमको पता चलता है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है तो उसके लिए हम लोग पहले स्टेप्स ले लेंगे जिससे कि हमको उस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज मिल जाए. अगर हमको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी तो हो सकता है कि हम अज्ञानता के कारण या हमें उसकी नॉलेज नहीं है तो उसके कारण हम उस अपॉर्चुनिटी को खो दें. लेकिन अगर हम उसके बारे में नॉलेज रखते हैं, हमको पता होता है, तो हमको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता है. उसके बाद है अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर हैं तो हमारे बिजनेस में क्या थ्रेट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो हमको पता होती हैं. अगर कोई थ्रेट्स या क्राइसिस आ रही है तो उसके लिए हम लोग पहले से ही स्टेप्स लेंगे अगर हम अवेयर होंगे. तो हमको जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है पहले से ही सिग्नल्स देते हैं कि आपके बिजनेस में क्या क्या थ्रेट्स आ रहे हैं, क्या क्या क्राइसिस आने वाली है, जिससे कि हम उसके लिए स्टेप्स ले सकें, या कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जिसको हम लोग ग्रैब कर सकते हैं. उसके बाद है कस्टमर फोकस. जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके अगर नॉलेज होगी तो हम अपने कस्टमर के ऊपर फोकस कर पाएंगे. हमारा कस्टमर किस तरह के गुड्स को चाहता है, उसकी क्या डिमांड है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, फ्यूचर में वो क्या चाहता है, वो सारी चीज़ें हमको पता होंगी तो हम उसको फुलफिल कर पाएंगे. स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन. बिजनेस एनवायरनमेंट के नॉलेज की वजह से हम लोग को स्ट्रेटजी बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि जब हमको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज होगी तो हम उस बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे. हमको पहले से पता होगा कि आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं या क्या क्राइसिस या थ्रेट्स है, तो उनको लेके हम लोग स्ट्रेटेजी को बनाएंगे, उनको फॉर्मुलेट करेंगे, प्लानिंग करेंगे.
इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग हो सकती है, प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग हो जाती है बिजनेस इन्वायरमेंट की वजह से, इसका इम्पोर्टेंस है। कोपिंग विथ चेंज, जो बिजनेस लीडर्स होते हैं उनसे ये आशा की जाती है कि हमारे जो बिजनेस में जो भी चेंजेस आने वाले हैं, जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई नया गुड्स लॉन्च होने वाला है, तो उसकी उनको नॉलेज होगी, उसके हिसाब से वो उसको जो चेंज होने वाले हैं उसको अडॉप्ट कर पाएंगे, कोप कर पाएंगे। जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई मशीनरी आने वाली है नहीं, या कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो कि हमारे बिजनेस इन्फॉर्मेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो हम उनसे ये बिजनेस लीडर से आशा रखते हैं कि उसको इसके बारे में पता होगा और वो लोग उसको ग्रैब कर लेंगे, उसको अप्लाई करेंगे अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। पब्लिक इमेज, जो बिजनेस इन्वायरमेंट होती है अगर उसकी नॉलेज है तो हम अपने बिजनेस की इमेज को बहुत ही बढ़ा सकते हैं, बिजनेस इमेज के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सेंसिटिव टू इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्सिव टू द एस्पिरेशंस ऑफ पब्लिक। उसके बाद है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, बिजनेस इन्वायरमेंट की जब स्टडी करते रहते तो हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, जो बिजनेस लीडर्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ बिजनेस के बारे में सीखने को मिलता है। इन्वायरमेंटल एनालिसिस सर्व्स एज अ ब्रॉड बेस एंड ऑनगोइंग एजुकेशन फॉर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स। यह भी ये बताया गया है कि जो हमारे बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं इन्वायरमेंट एनालिसिस जब करते हैं तो उनको एक ब्रॉड बेस मिल जाता है पॉलिसी बनाने के लिए, डिसीजंस बनाने के लिए, एंड ऑनगोइंग एजुकेशन, और उनको लगातार एजुकेशन मिलती रहती है हमारे बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को उनके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। अभी तक तो मैंने इस वीडियो में आपको बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में, फीचर्स के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिजनेस इन्वायरमेंट के जो एक्सटर्नल फोर्सेस इंटरनल फोर्सेज होते हैं उनके बारे में बताऊंगी, और फिर SWOT एनालिसिस के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।